अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को कोई प्यारा सा गिफ्ट करना चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट दें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट गिफ्ट फॉर गर्ल्स, यानी लड़कियों के पसंद के 5 गिफ्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक से बढ़कर एक है और लड़कियों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। और अगर आप इनमें से कोई से भी गिफ्ट अपनी पार्टनर को देते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो, तो डेफिनेटली यार वो तो आप पर फिदा ही हो जाएगी। और जो लास्ट वाला गिफ्ट है ना, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वो बहुत खास रखा है मैंने आपके लिए। अगर बात करें सबसे पहले नंबर की गिफ्ट की, तो वो आता है टेडी बियर। भैया लड़कियों को ना सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद होती है तो वो है टेडी बियर। लड़कियां जब सोती है, लड़कियां जब पढ़ाई करती है, वो कुछ भी करती रहे, टेडी बियर उनके साथ होता ही है। और अक्सर आपने देखे होंगे लड़कियों का जो बेडरूम होता है ना, वहाँ पर कई सारे आपको टेडी बियर मिल जाएंगे। पता नहीं क्यों लड़कियों को टेडी बियर बहुत पसंद आते हैं यार। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई प्यारा सा गिफ्ट देना चाहते हो तो आप टेडी बियर दे सकते हो। टेडी बियर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं यार, अच्छी क्वालिटी की भी आती है और कम पैसों में भी मिल जाती है। मतलब टेडी बियर एक बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके पार्टनर के लिए। तो अगर आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हो। और अगर मैं बताऊं तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे टेडी बियर मिल जाएंगे मस्त मस्त। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कुछ टेडी बियर के लिंक्स दे रहा हूँ, आप जाकर उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आप टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हो अपने गर्लफ्रेंड को, उसे बहुत पसंद आएगा। सेकेंड नंबर बहुत खास है यार, और ये है चॉकलेट कम्बो। यार लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद आते हैं, शायद ही कोई लड़की होगी जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। इस जहां में 99.9% लड़कियों को चॉकलेट पसंद होते हैं, उनका फेवरेट होता है। तो आप क्या करो, कोई एक दो चॉकलेट नहीं बल्कि पूरे चॉकलेट का कम्बो उसे गिफ्ट करो। बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट के कम्बो आते हैं यार, और बहुत सस्ते में भी आपको मिल जाएगा। मतलब 500 to 1000 में आपको बेहतरीन चॉकलेट का कम्बो मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा कम्बो अपनी गर्लफ्रेंड को दोगे ना, तो लाइफ टाइम आपको नहीं भुला पाएगी यार वो। मतलब उसके दिल में आप एक अलग ही जगह बना लोगे, वो फुल्ली इंप्रेस हो जाएगी आपके लिए। तो आप सेकेंड नंबर पर चॉकलेट कम्बो भी उसे गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखे हैं चॉकलेट कम्बो बहुत सारे आते हैं, बहुत प्रकार के आते हैं, जिसमें एक ही पैकेज में बहुत प्रकार के अलग अलग चॉकलेट मिक्स होते हैं। डेयरी मिल्क, किट कैट, मंच, बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग फ्लेवर के, ना जाने कितने प्रकार के चॉकलेट का जो कम्बो है वो मिल जाता है। तो आप चाहो तो चॉकलेट का कम्बो भी उसे गिफ्ट कर सकते हो। उसे बढ़िया से आप पैकिंग करा लीजिए और पैकिंग करके उसे आप गिफ्ट कर दीजिए। आप देखना खोलते ही उसके चेहरे पर एक नई स्माइल आ जाएगी यार, उसकी स्माइल पे जान आ जाएगी यार, क्योंकि लड़कियों को ना चॉकलेट बहुत पसंद आते हैं यार, उनका फेवरेट होता है। इसलिए मैंने सेकंड नंबर पर चॉकलेट को रखा है। तो आप चॉकलेट का कम्बो भी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो। थर्ड नंबर पर मैंने जो चीज़ रखा है वो बहुत प्यार जताने वाली चीज़ है, और वो है रिंग। यार लड़कियों को रिंग बहुत पसंद आते हैं। अगर आप कोई प्यारा सा रिंग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हो और अगर अपने हाथों से आप उसे पहनाते हो ना, तो यार वो वहीं पर पिघल जाएगी, वो इतना ज़्यादा अपनी इंप्रेस हो जाएगी कि पूछो ही मत। क्योंकि लड़कियों को रिंग बहुत पसंद आते हैं। हमें एक बार रिंग ना पसंद हो बट लड़कियों को ना बहुत 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 ज़्यादा पसंद आते हैं यहाँ रिंग। और अगर आपके पास पैसा है तो आप गोल्डन की भी रिंग गिफ्ट कर सकते हो, और अगर पैसा कम है तो आप सिल्वर की भी रिंग गिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि लड़कियों को सोना और चांदी से मतलब नहीं है, बस आप प्यार से कोई रिंग गिफ्ट करो, उसे बहुत पसंद आएगा यार। और मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे सिल्वर रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि सिल्वर रिंग में हमें बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे क्वालिटीज़, बहुत सारे फ्लेवर, अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, बट गोल्डन में ऐसा नहीं मिलता। तो अगर आप चाहो तो कोई सिल्वर यानी चांदी का रिंग आप उससे गिफ्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हो या फिर किसी सुनार के दुकान पर जाकर भी आप पता कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पर आप उसे रिंग गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि रिंग भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है यार, उन्हें बहुत पसंद आता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप कोई प्यारा सा रिंग गिफ्ट करो और अपने हाथ से उसे पहनाओ। यार उस वो जो मोमेंट रहेगा ना, उसका कोई जवाब ही नहीं रहेगा यार, ये बहुत प्यार जताने वाला चीज़ है। तो अगर आप चाहो तो थर्ड नंबर पर उसे रिंग गिफ्ट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे मैंने जो रखा है वो बहुत कॉमन चीज़ है, और वो है ड्रेस। अगर आपको पसंद हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रेस गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि लड़कियों का इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे ड्रेसेस आते हैं भाई कि पूछो ही मत। मैं नाम भी नहीं बता सकता, 1000+ कैटेगरीज निकल जाएंगे उनके ड्रेसेस का। तो अगर आप चाहो तो आपकी बंदी को, आपके पार्टनर को, आपकी गर्लफ्रेंड को जो ड्रेस पसंद है, आप वो ड्रेस उसे गिफ्ट कर सकते हो। उसे जो भी उसके में अच्छा लगता है, चाहे जीन्स हो, चाहे सलवार सूट हो, चाहे कोई कुर्ती हो, चाहे कोई पैंट, जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है, आप उसे गिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि लड़कियों को ड्रेस भी बहुत पसंद आते हैं। और एक बात बताऊँ, लड़कियों के पास चाहे कितने भी कपड़े क्यों ना रखे हो,
वो और नया लेना चाहती है, मतलब उनको ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए उनके पास भर भर के कपड़ा रहता है यार, आप देखे भी होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहो तो अपनी बंदी को कोई प्यारा सा ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हो, ये आपको 1000-2000 में अच्छा अच्छा ड्रेसेस मिल जाएंगे। और आप उसे बढ़िया से खरीद करके, बढ़िया से पैकिंग करा करके, साथ में चॉकलेट भी डाल दीजिए और आप उसे गिफ्ट करिए, आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रेस गिफ्ट कर सकते हो, पर ध्यान रहे कोई ऐसा वैसा ड्रेस गिफ्ट नहीं करना, मतलब कोई ये बाजारों वाला या फिर मेला में मिल जाने वाला गिफ्ट मत करना, थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी की और थोड़ा सभ्यता से, मतलब अच्छी ड्रेस ही गिफ्ट करना, या तो गिफ्ट करना ही मत, अगर करो तो अच्छे से ही गिफ्ट करना, मतलब काम चलो वाला काम मत करना, बढ़िया से। और अगर आपके साथ में कोई लड़की रहती है या फिर आपकी कोई लड़की फ्रेंड है, ठीक है, तो आप उससे भी सजेशन ले सकती हो कि यार कौन सा ड्रेस लड़कियों को पसंद होता है, लड़कियों को कैसे ड्रेस पसंद होते हैं, लड़कियों के लिए कैसे ड्रेस लेते हैं। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो एक टाइम था कि मुझे भी मालूम नहीं था कि लड़कियों को कैसे कपड़े सूट करते हैं, कि लड़कियों के लिए कैसा कपड़ा लेना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि लड़कियों को इस टाइप के जो कपड़े हैं वो पसंद होते हैं, कि लड़कियों को ऐसे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, फिर मुझे समझ आ गया। और आज के टाइम पे मैं लड़कियों से भी ज़्यादा बेहतर चॉइस रखता हूँ ड्रेस के मामले में। तो अगर आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रेस गिफ्ट कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी च्वाइस हो सकती है। अब बारी आती है पाँचवें नंबर की और सबसे लास्ट गिफ्ट की, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है यार। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो गिफ्ट है ना, इसे बहुत लोग मानते हैं कि इसे अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी नहीं देना चाहिए, और ये है कि स्मार्ट वॉच। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कभी भी अपनी पार्टनर को घड़ी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना दिया है कि गर्लफ्रेंड को घड़ी गिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं, पार्टनर को घड़ी गिफ्ट देने से क्या होता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में लिख दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये आता है स्मार्ट वॉच। अगर आप ये सारी चीजें नहीं मानते, बस आप घड़ी को गिफ्ट के तौर पे समझते हो, तो आप अपने पार्टनर को स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि लड़कियों को स्मार्ट वॉच बहुत पसंद आते हैं। और आज के टाइम पे आपने देखे होंगे 75% लड़कियों के हाथ में आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएगा, मतलब हर लड़की को स्मार्ट वॉच पसंद है, क्योंकि आज के टाइम पे हर लड़की स्मार्टफोन यूज़ करती है, तो स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट वॉच भी वो इस्तेमाल करती है। और इतने सारे इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉच आते हैं यार, मतलब 1000 में आपको बेहतर से बेहतर स्मार्ट वॉच मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी पार्टनर को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप चाहो तो अपनी पार्टनर को एक स्मार्ट वॉच भी गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, यह बात को याद रखना, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि घड़ी कभी भी अपने पार्टनर को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पर मैं एक और ऑप्शन रखा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते तो आप बढ़िया से स्मार्ट वॉच ले लीजिए, उसे बढ़िया से पैकिंग करा लीजिए, साथ में आप चॉकलेट भी डाल दीजिए और अपने पार्टनर को गिफ्ट करो, यार वह बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगी और हमेशा उसके हाथ में वो घड़ी आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप उसे गिफ्ट करोगे ना तो हमेशा उसे संभाल के रखेगी, बहुत प्यार से रखेगी। तो अगर आप चाहो तो एक प्यारा सा स्मार्ट वॉच उसे गिफ्ट कर सकते हो। और लड़कियों के लिए स्मार्ट वॉच बहुत अच्छे अच्छे आते हैं यार, पिंक कलर फेवरेट होता है लड़कियों का, तो आज के टाइम पर स्मार्ट वॉच भी पिंक कलर मने लगा है यार। तो आप चाहो तो एक बढ़िया सी स्मार्ट वॉच अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप मानते हो कि पार्टनर को कभी भी घड़ी गिफ्ट नहीं देना चाहिए, वॉच गिफ्ट नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए है स्मार्टफोन। अगर आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है स्मार्टफोन का, बहुत ज़्यादा नीड होता है स्मार्टफोन का। और आपने देखे होंगे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना, उनका जो फ़ोन होता है या तो बहुत ओल्ड ज़माना का होता है, या फिर कम्बो चेंज हो गया होता है, या फिर टूट फूट गया होता है, या फिर अटक अटक कर चल रहा होता है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, लेकिन वैसे में भी वो अपना काम चला लेती है। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप अपनी बंदी को एक ही स्मार्टफोन गिफ्ट कर दोगे ना, तो उसके लिए ना वो वरदान साबित हो जाएगा और वो उसे अपना जान बना कर रखेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा वैसा है तो आप उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर सकते हो। और देखो यार, आप दोगे तो वो आपका ही काम आएगा, क्योंकि वो आपसे ही बात करेगी, आपके लिए ही टाइम निकालेगी, तो एक बेहतर चॉइस हो सकता है स्मार्टफोन। तो अगर आपके पास पैसा वैसा है तो बढ़िया से आप एक स्मार्टफोन बाय करके, पैकिंग करा करके अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दो, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे यार। और ये जो पांच गिफ्ट मैंने आपको बताया ना, ये पांचों के पांच गिफ्ट लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें बहुत पसंद होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा गिफ्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट देने वाले हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी
दबा देना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।